आप जानते हैं कि कवि मित्र भी जानते हैं कि कविता जब मैं पढ़ता हूं तो डेढ़ घंटे के पहले मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए कविता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आदेश है तो कविता पढ़ता हूँ। मावस की काली रातों में, मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, कागज की कोरी धरती पे, ए तू जा अब चाय नहीं, हटो हटो यहां से, भाग जा। ये हाँ, मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, कागज की कोरी धरती पे शब्दों के आंसू बोता हूं, सारी दुनिया सोती है मैं फूट फूट कर रोता हूं। मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, कागज की कोरी धरती पर शब्दों के आंसू बोता हूं, सारी दुनिया सोती है। भैया इधर देखिए, ए सारी दुनिया सोती है मैं फूट फूट कर रोता हूं। 75 साल की आजादी आपके बीच में रख रहा हूं कि बिना दूध का बचपन बीता, बिना दूध का बचपन बीता, तरुणाई को भूख खा गई, बिना दूध का बचपन बीता, तरुणाई को भूख खा गई, और पीड़ा कांटों के बिस्तर पर थपकी देकर के सुला गई, पीड़ा कागज के बिस्तर पर थपकी देकर के सुला गई। इच्छा होती है मैं गाऊं, बड़े गीतकार सब बैठे हुए हैं, तीन कवितियां अच्छा गीत पढ़ने वाले ये पढ़ करके गए, पांडे जी प्रभाकर अच्छे गीतकार सर। इच्छा होती है मैं गाऊं, कंठ नहीं है गाऊं कैसे, मादक सुर वाली बंसी को जले होंठ तक लाऊं कैसे, मादक सुर वाली बंसी को जले होंठ तक लाऊं कैसे, कालिख लगे हुए मुंह को मैं अंगारों से धोता हूं, सारी दुनिया सोती है मैं फूट फूट कर रोता हूं, हंसता हुआ बिहान कभी ना देखा मैंने, 75 साल का दर्द आपके बीच में रख रहा हूं, बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, हंसता हुआ बिहान कभी ना देखा मैंने, मेरे गीतों में सदैव सावन रोया है, हंसता हुआ बिहान कभी ना देखा मैंने, मेरे गीतों में सदैव सावन रोया है, और एक तरफ जयचंदों के कुत्ते भी रबड़ी काट रहे हैं, एक तरफ फुटपाथों पर मेरा भूखा भारत सोया, एक तरफ जयचंदों के कुत्ते भी रबड़ी काट रहे हैं, एक तरफ फुटपाथों पर मेरा भूखा भारत सोया है। आम आदमी का दर्द किसी तरह से लाज ढांकती, फटी हुई उसकी धोती है, किसी तरह से लाज ढांकती, फटी हुई उसकी धोती है, 3 दिनों से भूखा मुन्ना मांग रहा माँ से रोटी, किसी तरह से लाज ढांकती, फटी हुई उसकी धोती है, 3 दिनों से भूखा मुन्ना मांग रहा माँ से रोटी है, भरा भावों से है जीवन पर कुछ पाने की लालच में, अपने तन का खून जलाकर
बच्चों को दुख दर्द पिलाकर, पत्नी को धोती का वादा, बेटों को रोटी का वादा। वादों पे जीवन चलता है, पापी पेट बहुत जलता है। पत्नी को धोती का वादा, बेटों को रोटी का वादा, वादों पे जीवन चलता है, पापी पेट बहुत जलता है। मैं भूखा नंगा प्यासा, पर स्वाभिमान मेरी थाती है। आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूं। एक बड़ा ईमानदार अफसर बैठा हुआ है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं भूखा नंगा प्यासा, पर स्वाभिमान मेरी थाती है। मातृभूमि की गहन वेदना मेरे संग संग गाती है। फूट फूट कर लोकतंत्र की मैयत पर रोने आया हूं। फूट फूट कर लोकतंत्र की मैयत पे रोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। फूट फूट कर लोकतंत्र की मैयत पे रोने आया हूं। फूट फूट कर लोकतंत्र की मैयत पे रोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। 75 साल का इतिहास, हमें आजादी मिली 12 बजे रात को मिली। 75 साल हो गए उस आजादी का, सवेरा हमको और आपको देखने को नहीं मिला। जो तुम क्या देखा 75 साल में, हमने सामाजिक न्याय को पंग होते हुए देखा। हमने कूड़े के ढेर पर दाना बीनते हुए नंग धड़ंग बचपन को देखा। हमने पेट खलाए हुए पत्थर तोड़ते हुए मजदूरों को देखा। भूख से बिलबिलाते हुए किसानों को देखा। लहू लुहान अवस्था में सांप्रदायिक सद्भाव को देखा। लोक लाज हया के बटन को खोलते हुए गांव को देखा। संस्कार और संस्कृति के जिसमें डुकीले दांतों को गड़ाए हुए पाश्विक प्रवृत्ति को देखा। गाली खाते हुए इतिहास को देखा। कुनबों में बढ़ते हुए देश के भूगोल को देखा। बिलकती हुई आजादी को देखा। गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा। बिलकती हुई आजादी को देखा। गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा। और फांसी लगाते हुए किसान अन्नदाता को देखा। सरहद पर शहीदों की लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई अपनी भारत माता को देखा। 75 साल। कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया। अब जब आपने खड़ा किया तो कमलेश राजहंस को सुन लो, और कमलेश राजहंस को सुनने का मतलब हिंदुस्तान में यथार्थ कहने वाला मेरे सामने कोई नहीं है, यह मेरा स्वाभिमान कहता है। जो मैं लिखता हूं कोई नहीं लिखता। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता। अजी साहब प्रश्न है। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता। मैंने कहा, बेटे पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया, तिरंगे में कितने रंग होते हैं। उस बच्चे ने कहा, सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको पीटने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा, बदतमीज, तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग कहता है, सिद्ध कर नहीं तो बहुत पीटूंगा। बच्चे ने कहा, सर 5 रंग। मैंने कहा, सिद्ध कर। बच्चे ने कहा कि सर, ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, बीच का सफेद 3, चक्र 4। मैंने कहा, पांचवा बता। उस बच्चे ने कहा कि सर, लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा, लाल रंग के धब्बे से तेरा क्या मतलब। बच्चे ने कहा, सर पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे, तिरंगे में लिपट कर
तो उस तिरंगे पर उनके खून का एक छोटा सा धब्बा था, उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में पा। आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की फहरिस्त में जितना बलिदान गांवों ने दिया है उतना बलिदान किसी ने नहीं दिया है। तब आपकी अदालत में वो बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, आपका बलिदान आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी को पढ़ना है, और नहीं तो दो घंटे ढाई घंटे में आपके बीच में जरूर काव्य पाठ करता। आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूं। एक बार मैं और पंडित चंद्रशेखर मिश्र दोनों लोग जा रहे थे यहाँ बीकानेर कवि सम्मेलन में, पूरा रेगिस्तान था नीरत। पंडित जी ने मुझसे कहा कि कमलेश, हिंदुस्तान की सारी धरती उर्वरा है लेकिन यहाँ बालू क्यों है, राजस्थान रेगिस्तान क्यों हुआ? मैंने कहा कि पंडित जी, देश के सम्मान के लिए धरती का जब सारा पानी वीरों की तलवार पर आ गया हो, वह धरती रेगिस्तान नहीं होगी तो क्या? बैठ जाओ आदरणीय, बैठ जाइया, बैठ जाइया गुड़िया, बैठो बेटा थोड़ी देर तक। अच्छा वही है, चलो ठीक। मैं कहता हूं आपके बीच में कि मेरी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया, मेरी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया, राष्ट्र वृक्ष को लहू दिया और धरती को मधुमास दिया, वीरों की गाथा दी हमने, भारत को भूगोल दिया, सारी दुनिया डोल गई जब पौरुष का भूडोल दिया, राष्ट्र धर्म को मान दिया, जब देश पुकारा जान दिया, संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान। राजधर्म को मान दिया, जब देश पुकारा जान दिया, संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान दिया, कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं, कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं, सिद्ध हो गया नमक हलालों का यह भारत देश, कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं, सिद्ध हो गया नमक हलालों का यह भारत देश नहीं, पदोहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं, पदोहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं, धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं, पदोहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं, धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। और दो पंक्ति इसी जगह कविता मैं अपनी समाप्त करूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, दो पंक्ति आप इसका निर्णय करेंगे कि ये दो पंक्ति में कमलेश राजहंस ने क्या कह दिया, मुझे आप भूल जाएंगे लेकिन मेरी दो पंक्ति आप नहीं भूलेंगे। पद हटा लेने के खातिर सर हिजड़े आगे आते हैं, धरती माता के बेटे है? चोटी तिलक तलवार को गाली है दी गई, चोटी तिलक तलवार को गाली है दी गई, थोड़ा बचा सम्मान है उससे भी खेल लो, चाहे मोदी हो चाहे जोगी हो चाहे कोई हो, सब नाटककार हैं, पर्दे के पीछे सब एक हैं। ताली बजाओ। लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया, लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया, बेवह जनता घोर जलालत झेल रही है, आजादी की पान चाली है लगी दांव पर, राजनीति संसद में जुआ खेल,
आजादी की पांचाली है लगी दांव पर, राजनीति संसद में जुआ खेल रही है। ऐसे में यदि कलमकार की कलम कहीं बिक जाएगी, भूषण और दिनकर की छाती में दरार पड़ जाएगी। छिछक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख बिलकती है बच्चों की, सुलग रही सारी आबादी। एक दृश्य मैंने देखा सर, 12-12 फुट के 2 लंबे बांस लगाए गए थे, उस पर 12 फुट की लंबी रस्सी बांधी गई थी। एक मदारी था, नीचे ढोल बजा रहा था, उसकी 7 साल की बिटिया थी। वह उस रस्सी पर 7 फुट लंबा बांस लेकर के पैर में घुंघरू बांध करके नाच रही थी। बिटिया नीचे उतरी, मैंने उससे कहा, गुड़िया 12 फुट की ऊंचाई पर, 12 फुट की लंबी रस्सी पर 7 फुट का लंबा बांस लेकर के जब तू नाचती है तो तुझे डर नहीं लगता क्या? पिटिया ने कहा, बाबूजी जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता। जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता। मैं मिड डे मील चेक करने के लिए गया था, सही घटना मैं आपको बता रहा हूँ आईजी साहब, मिड डे मील चेक करने के लिए गया था। वहां पर एक बिटिया थी, उसकी कलम बेटा चोरी हो गई थी। इस टीचर ने कहा कि सारे बच्चे अपने बैग की तलाशी देंगे। सारे बच्चे तलाशी दे दिए। शीला नाम की एक लड़की थी, वो तलाशी नहीं दे रही थी। टीचर ने कहा, खामखा तूने कलम चुराई है, नहीं तो बैग की तलाशी। उसने कहा कि मैं सबके सामने तलाशी नहीं दूं। मैं उसी समय पहुंचा, मैंने कहा क्या बात है? कहें सर ऐसी बात है, मैं उस बिटिया को एकांत में ले गया। मैंने कहा कि बेटा तुम मेरे सामने तलाशी दो, आसमान फट जाएगा मित्रों। बिटिया ने बैग की तलाशी दिया, उसमें 4 रोटियां थी। मैंने कहा रोटी चुराती हो? बिटिया ने कहा कि सर मैं यहां मिड डे मील में खा लेती हूं, मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर। तब कहता हूं कि भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों खड़े हो जाएंगे आप अगली पंक्ति पर। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। बहु चुप कराता हूं, चुप नहीं होते हैं। बहुत चुप कराता हूं, चुप नहीं होते हैं। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। बहुत चुप कराता हूं, चुप नहीं होते हैं। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। तेरे खिलौनों को देखकर मेरे बच्चे बहुत रोते हैं। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। तेरे खिलौनों को देखकर मेरे बच्चे बहुत रोते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते, धरती माता चोटी तिलक तलवार को गाली है दी गई, चोटी तिलक तलवार को गाली है दी गई। थोड़ा बचा सम्मान है उससे भी खेल लो। मोदी और योगी दोनों लोगों से कहता हूं यार, सबसे कहता हूं, अरविंद से कहता हूं, ममता से कहता हूं, लालू से कहता हूं,
जनता का हित करने वाली कोई भी सरकार नहीं। ताली बजाओ। चोटी तिलक तलवार को गाली है दी गई, थोड़ा बचा सम्मान है उससे भी खेल लो। भारत का संविधान सुदामा बना दिया, भारत का संविधान सुदामा बना दिया, चमड़ी बची हुई है उसे भी उधेड़ लो, चमड़ी बची हुई है उसे भी उधेड़ लो। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं, धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं और दो पंक्ति लेकर के जाना। कमलेश राजहंस याद रहे या न रहे, लेकिन दो पंक्ति बाबू सुरेंद्र सिंह की स्मृति में जो कवि सम्मेलन हुआ है आप जरूर याद करेंगे कि एक अदना सा कवि आया था, दो पंक्ति दे करके गया, राष्ट्र की आत्मा को झकझोड़ करके गया। कहता हूं पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं, धरती माता के बेटे सरहद पर गोली खाते हैं। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो, यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। संविधान पर धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पर धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पर धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।